दोस्तों, आप भी गणपति की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो नियमित रूप से संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ भगवान गणेश को अति प्रिय है। इसे करने से सभी दुखों का अंत होता है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। यदि आप रोजाना नहीं कर सकते तो सिर्फ बुधवार के दिन ही इसे 11 बार पढ़ें। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्यं य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपतिर्स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत। इति श्री नारद पुराणे श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। अब सरल हिंदी में अर्थ जानते हैं। नारद जी बोले, पार्वती नंदन श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। पहला वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एक दंत एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर बड़े पेट वाले, छठा विकट विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र विघ्नों पर शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण धूसर वर्ण वाले, नवा भालचंद्र जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, दसवां विनायक, ग्यारहवां गणपति और बारहवां गजानन। इन 12 नामों का जो पुरुष तीनों संध्याओं प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है, हे प्रभो, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियां देने वाला है। इससे विद्या अभिलाषी विद्या, धन अभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का जप करता है उसे 6 मास में इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री नारद पुराण में श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये।